सर इसे गोली मार दी गई। सर ये एनवेलोप इसके पास से मिला है। क्रॉस लगा? काम तमाम कर दो इस स्ट्रॉबेरी का, आर्थर और विल्सन के शहर में जीपी पे जाकर। ये तो एक पहेली लग रही है, कहीं एक मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं? हो सकता है इस क्रॉस वाले आदमी का कॉन्ट्रैक्ट मिला हो इस जग्गी को। सर मगर ये दो फोटोज किसके हैं और इन्हें हम ढूंढेंगे कैसे? इसका जवाब तो मिलेगा विल्सन और आर्थर के शहर में स्ट्रॉबेरी। विल्सन पॉइंट, आर्थर पॉइंट, स्ट्रॉबेरी, महाबलेश्वर। अरे रुको रुको, रुको। सर हम लोग महाबलेश्वर तो पहुंच गए, लेकिन जो तस्वीरें हमें मिली है उन लोगों को हम ढूंढेंगे कैसे? हाँ सर, और इस वक्त तो महाबलेश्वर में टूरिस्ट सीजन चल रहा है, काफी भीड़ भी होगी। वो फोटो के पीछे क्या लिखा था? आर्थर और विल्सन का शहर। तो चलो आर्थर सीट से ही शुरू करते हैं, वहाँ के गोले वाले और स्ट्रॉबेरी वालों से पूछताछ करते हैं। सर सर हम लोग वापस कभी जा रहे हैं? बहुत जल्द, बस केस सुलझने के बाद। क्या मुंबई की याद आ रही है क्या? अरे सर मुंबई की बहुत याद आ रही है, मगर उससे भी ज्यादा मुझे मम्मी की स्ट्रॉबेरी मिल्क की बहुत याद आ रही है। अच्छा? हाँ सर, आंटी के हाथ का स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक वाकई बहुत अच्छा है। है ना? मम्मी किसकी है? तुम्हारी है। सर ऐसा लग रहा है पंकज को भूख बहुत लगी है, खाने की कोई भी दुकान देखता है मुंह से पानी आ रहा है, दाढ़ी पूरी गीली हो गई है। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, फोटो के पीछे जीपी लिखा है, जीपी का क्या मतलब हो सकता है? देखो इतना तो पता चल गया कि आर्थर सीट और विल्सन पॉइंट ये महाबलेश्वर में है, उसी तरीके से ये जीपी यदि होगा तो महाबलेश्वर में, इसे भी ढूंढ निकालेंगे। हाँ सर, ये आर्थर सीट कहाँ है? आर्थर सीट सर आगे जाके चौराहा है, वहां से राइट मार के, उसे सुसाइड पॉइंट भी कहते हैं। सुसाइड पॉइंट? सर हम लोग महाबलेश्वर तो आ गए, मगर वो फोटो में जो तीन जन हैं उनको हम ढूंढेंगे कैसे? पंकज तुम बचपन में अपने मम्मी पापा के साथ समर वेकेशन में घूमने फिरने तो गई हो? हाँ सर, मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे, हर साल मुझे नए शहर ले जाते थे। अरे तो नए शहरों में मशहूर मशहूर जगहों पे तो जाते ही होगे ना? अरे सर टूरिस्ट का काम ही तो यही है सर। हाँ तो ऐसे ही ये तीनों यहाँ के मशहूर मशहूर जगहों पे घूमने के लिए जरूर आएंगे। सर हो सकता हो यहीं के रहने वाले लोकल हुए तो? तब तो और अच्छी बात है, फिर तो कई बार जाते होंगे यहाँ की फेमस स्ट्रॉबेरी और वो बर्फ के गोलों की दुकान पे। चलो काम पे लगते हैं, यहाँ के दुकानदारों को ये तस्वीरें दिखाने शुरू कर देते हैं। क्या अपेक्षक होने लगा बगित लगे इकड़े? ये देखिए इन तीनों को कहीं देखा है? बगा ना। ये देखे ये इन लोगों को देखा क्या आसपास? अरे साहब इन दोनों को मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। क्या? हाँ। ऐसी क्या खास बात इन दोनों में? ये दोनों कल मेरी दुकान पे गोला खाने के लिए आए थे। हाँ
ये लीजिए मैडम, आपकी खिदमत में महाबलेश्वर का बर्फ का गोला। क्या हुआ, गोला क्यों फेंक दिया? वो देखो। चलो भागो यहाँ से। अरे वो साहब, रुको साहब, साहब साहब मेरे पैसे, अरे पकड़ो पकड़ो, ओ साहब रुको साहब, ओ साहब। क्यों साहब, आप लोगों का भी कुछ पैसा उनके पास बाकी था क्या? नहीं वो बात नहीं है। वैसे कितने बजे हुआ था ये सब? जी कल दोपहर 12 बजे के आसपास। अच्छा, किस किस तरफ गए बोलो? जी इस तरफ भागे थे, सुसाइड पॉइंट की तरफ। सुसाइड पॉइंट? हाँ। कितना कितना पैसा हुआ उन दोनों का? दो गोले लिए थे ना? 60 रुपए हुआ था साहब। ये लो। लेकिन आप क्यों दे रहे हो? कोई बात नहीं, जब वो मिलेंगे तो हम ले लेंगे। जी धन्यवाद। सब आप लोग इधर नहीं जा सकते। क्यों, क्या हुआ? क्या है सब कि कल एक लड़के लड़की ने यहाँ कूद कर आत्महत्या कर ली साहब। क्या है कि साहब मेरी नौकरी का सवाल है, इसलिए इधर नहीं जाने दे रहा हूँ। यहाँ से कूदा? जी। यहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे, तुम्हारे रहते यहाँ पे किसी ने खुदकुशी कैसे कर ली? हा? अरे साहब आप लोग तो ऐसा बात कर रहे हो जैसे पुलिस वाले हो। CID मुंबई। अरे सलाम साहब, हमको माफ कर दीजिए साहब। माफी वाफी बाद में मांगना, पहले ये बताओ तुम्हारे रहते कैसे कूद गए वो लोग? साहब वो मैं खाना खाने गया था साहब। क्या उस वक्त ड्यूटी पर कोई और गार्ड नहीं था? नहीं मैडम, जब मैं वापिस आया वो मेरे सामने कूद गए। कितने बजे की बात है? वही 12:30 बजे करीब। और करीब करीब उसी टाइम पर वो दोनों वहाँ गोले वाले के यहाँ से इस तरह भाग के आए थे। तुमने उन दोनों के चेहरे देखे? हाँ साहब, मैंने देखे थे उनके चेहरे, बहुत मासूम थे, बहुत मासूम थे साहब। ये थे वो दो लोग? हाँ साहब, यही दोनों थे, यही दोनों थे साहब, मेरे आंखों के सामने कूद गए साहब। तुम कहाँ पे खड़े थे जब वो लोग कूद रहे थे, कहाँ से देखा था? जी साहब वो पेड़ है ना, वहाँ पे खड़ा था साहब। अच्छा, जब ये लोग आत्महत्या कर रहे थे वहाँ आसपास किसी आदमी को देखा था? नहीं साहब, आसपास कोई नहीं था। तुम्हें ठीक से याद है कि वो दोनों खुद यहाँ से नीचे कूदे थे, किसी ने धक्का वक्का तो नहीं दिया उन्हें? साहब मैंने अच्छे से देखा, ये दोनों खुद से यहाँ कूदे साहब। अच्छा, इस तीसरे आदमी को देखो, इसे पहचानते हो? नहीं साहब, इसे नहीं पहचानता। और इस आदमी को? नहीं, इसे भी नहीं जानता साहब। कमाल है, इन दोनों की सुपारी जिस आदमी को दी गई थी वो पलटन में मरा पड़ा है, और ये दोनों यहाँ पे कूद के उन्होंने आत्महत्या कर लिया। बचा ये तीसरा आदमी, इसे ढूंढना होगा, इसकी जान को भी खतरा हो सकता है। सचिन, फोटो वाले लोगों के बारे में क्या पता चला? सर उन दो लड़कों के बारे में तो पता चल गया, लेकिन लड़की की कुंडली अब तक नहीं मिली सर। कोई बात नहीं, लड़कों के जरिए लड़की की कुंडली मिल सकती है, लड़कों के बारे में क्या पता चला? ये देखिए, ये लड़का जिसके नाम के आगे क्रॉस किया हुआ है और ये पहली लिखी है, इसका नाम रणवीर है सर, होटल के बिजनेस में है। होटल के बिजनेस में? अच्छा। और सर ये महाबलेश्वर भी अपने एक नए होटल के इनॉग्रेशन के लिए गया था, द होटल ग्रैंड पैलेस। द ग्रैंड पैलेस मतलब पहली में जो GP है वो ग्रैंड पैलेस है। और सर ये देखिए, ये लड़का, इसका नाम आर्यन है, ये मुंबई के कॉलेज से फोटोग्राफी का कोर्स कर रहा है सर। और सर संयोग की बात तो ये है कि आर्यन भी इस वक्त महाबलेश्वर में ही है, अपने क्लासमेट्स के साथ किसी फोटोग्राफी के प्रोजेक्ट के लिए गया है वहाँ। फिर वो अनजान लड़की भी वहीं पर है इन लड़कों के साथ महाबलेश्वर में। अभिजीत, क्या? ओ माय गॉड,
अच्छा, अगर कुछ पता चले तो मुझे इन्फॉर्म करते रहना। हाँ, और एक बात, उन लड़कों की कुंडली मिल गई है, फ्रेडी तुम्हें भेज देगा। हाँ ओके, इन्फॉर्म करते रहना मुझे। क्या हुआ सर? अभिजीत बता रहा था कि महाबलेश्वर में किसी पॉइंट से आर्यन और उस अनजान लड़की ने छलांग लगा दी। एक्सक्यूज मी। यस सर, गुड आफ्टरनून सर, कितने कमरे चाहिए आपको? नहीं नहीं, हमें कमरे नहीं चाहिए, एक्चुअली हम लोग सीआईडी से। जी कहिए। मुंबई के डीकेएस कॉलेज के स्टूडेंट्स आप ही के होटल में रुके हैं ना? वो फोटोग्राफी वाले स्टूडेंट्स? हाँ वही, वो अभी है यहाँ पे। हाँ है, जरा बुला दीजिए। जस्ट अ मोमेंट, बुलाता हूँ। हाँ मंगेश, ते फोटोग्राफी वाले स्टूडेंट आपल्याकडे थांबलेत ना, त्यांना बोलो जरा, त्यांना म्हणा सीआयडी वाले आलेत। हम लोग सीआयडी मुंबई से हैं, आपके दोस्त आर्यन के बारे में कुछ पूछने आए। जाने से पहले उसने कुछ बताया था कहाँ जा रहा है? नहीं, वो काफी जल्दी में था, बड़ी हड़बड़ी में निकला। हाँ हमने पूछा भी था कहाँ जा रहा है, लेकिन कुछ बताया नहीं, बोला वापस आके बताऊंगा। देखिए खबर तो बुरी है, एक्चुअली कल आर्यन ने एक लड़की के साथ आर्थर सीट पॉइंट से, वो जो सुसाइड पॉइंट है, वहाँ से कूद के आत्महत्या कर ली है। क्या? 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 सर नहीं, आर्यन ऐसा नहीं कर सकता। नहीं आप देखिए, आप लोग प्लीज अपने आप को संभालिए। आर्यन की कोई गर्लफ्रेंड थी, उसके बारे में कुछ बताया आप लोगों को उसने कभी? सर 4 साल पहले जब हम लोग पहली बार महाबलेश्वर आए थे, तब आर्यन की मुलाकात यहाँ पर एक रहने वाली लड़की से हुई थी। वो उससे बहुत प्यार करता था और उसी से शादी भी करने वाला था। वो लड़की कैसे दिखती थी? पता नहीं। आर्यन ने उसका नाम तो बताया ही होगा? नहीं, वो हमेशा कहता था कि नाम जानना है तो शादी के कार्ड पर ही जान लेना। अच्छा, आर्यन का किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दुश्मनी? नहीं सर, उसका स्वभाव तो बड़ा अच्छा था, हर किसी के साथ बना के रखता था। ठीक है, अभी आप लोग जा सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बात करेंगे। सर आर्यन की बॉडी? नहीं, अभी तक तो लाशें मिली नहीं, यहाँ की लोकल पुलिस लगी हुई है। बॉडी मिल जाएगी तो पोस्टमार्टम के बाद उनके परिवार वालों को हम दे देंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर वो लड़की यहीं इसी शहर की है, कोई ना कोई तो जानता होगा उसे, पूछते हैं उसके बारे में। क्या रणवीर बोठा उसकी तरफ गया है? कितनी देर पहले? चलिए सर, एक बात तो तय हो गई, रणवीर जिंदा है, जगी का शिकार नहीं हो पाया। शिकार नहीं हुआ, जिस किसी ने भी ये सुपारी दी है रणवीर को मारने की, जब उसे पता चलेगा कि जगी मर चुका है तो ये काम किसी और को सौंप देगा। अच्छा, उसका फोन नंबर दीजिए प्लीज। 1175 75 42 15। सर नंबर नॉट रीचेबल आ रहा है। चलो उस बोट हाउस में चल के रणवीर से वहीं मिलते हैं। चंद्रकांत, पूरे 300 लोगों का इंतजाम करना है, लेकिन ध्यान रहे शहर की जानी मानी हस्तियां आएंगी। सर आप चिंता मत करिए, 3 बजे के बाद सब टूरिस्ट कारों को यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा और ये सब बोट्स हमें मिल जाएंगे। और इस चौपाटी के आसपास हम 100 बोट्स खड़े करेंगे जो पूरी तरह से सजा हुआ होगा, और अपने हर मेहमान का खास ध्यान रखा जाएगा सर। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर कोई शक नहीं है चंद्रकांत, लेकिन ध्यान रहे ये मेरी इज्जत का सवाल है। सर आप बेफिक्र रहिए सर। सर सर आपकी जान को भी खतरा है शायद। सर सर रणबीर सर सर ओ सर यहाँ पे सबको फोटो दिखाते हैं, कोई ना कोई तो पहचान ही लेगा।
देखा है ने? नहीं भाई साहब, आपने नहीं देखा? ये तो वानी है। आप क्यों पूछ रही हैं? दरअसल ये मेरी सहेली है और इसका एड्रेस मेरे हाथ से गुम गया है, इसलिए हम लोग फोटो दिखाकर पूछ रहे हैं। अच्छा, आप कैसे जानते हैं वाणी को? आप रिश्तेदार हैं उनके? नहीं, रिश्तेदार नहीं है। ये वैसे बहुत अच्छी लड़की है और बहुत रहमदिल लड़की है ये। अच्छा, ऐसा क्या किया उन्होंने? पहले मैं बहुत गरीब था, तब वानी और उसके माता जी ने मेरी बेटी का मुंबई के स्कूल में दाखिला करवाया और उसकी पढ़ाई का खर्चा भी उठाया। आज मेरी बेटी पढ़ लिख रही है तो वानी और उसकी माता जी की वजह से। भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वाणी को आपने कब देखा था आखिरी बार? कब मिले थे उससे आप? वैसे तो हर हफ्ते में एक हाथ चक्कर हो ही जाती है उसकी, इस बार 2-3 महीने हो गए दिखी नहीं। बात क्या है? देखिए, हमें बहुत दुख है मगर वाणी का एड्रेस खो गया तो पंकज, इसमें दुख की क्या बात है? आपको पता है वाणी का एड्रेस? हाँ, पुरानी महाबलेश्वर में उसके माताजी की चिक्की की दुकान है और उसी दुकान के पीछे उनका घर है। अच्छा, पुराने महाबलेश्वर। हाँ, पुरानी महाबले। हाँ, हाँ, क्या? अच्छा, ठीक है, रणवीर की कोई खबर मिले तो फिर बताना। क्या हुआ सर? रणवीर का बॉडीगार्ड को किसी ने गोली मार दी, रणवीर अभी भी गायब है। बॉडी मिली है। ठीक है, किनारे ले आओ। सब बोट में तो कुछ भी नहीं मिला है। ये हेमंत है? हाँ सब, यही हेमंत है, रणबीर साहब का बॉडीगार्ड। कोई और बॉडी नहीं मिली अंदर? नहीं मिली साहब। नहीं मिली साहब। मतलब रणबीर साहब तो बच गए? कह नहीं सकते, फिर से अंदर गहराई में जाके देखना होगा। जरा पलटो इसे। ये पीछे निशान छोटा है, सीने पे जो घाव है ये काफी बड़ा है। ऐसा लगता है गोली पीछे से लगी है और आगे से निकल गई। जरूर किसी स्नाइपर गन से मारा है खूनी ने। मैनेजर साहब, ये हेमंत जी कहां पर खड़े थे जब उन्हें गोली लगी? बोट के उस तरफ खड़े थे सर।
बोट के उस तरफ पीठ की तरफ थी। उस तरफ थी सर। इसका मतलब है गोली चलाने वाला झील के उस तरफ था। सर, रणवीर की गाड़ी से ये फल्टन और महाबलेश्वर के बीच का टोल रिसीव मिला है। फल्टन से महाबलेश्वर के बीच? हाँ सर। ये रणवीर फल्टन गया था क्या? पता नहीं साहब, पिछले दो हफ्ते से मैं छुट्टी पे था, आज ही काम पे आया हूँ। सर हो सकता है जगी का खून रणवीर ने ही किया हो सेल्फ डिफेंस में। अगर सेल्फ डिफेंस में उसने खून किया था तो उसे पुलिस के पास जाना चाहिए था, मगर वो तो सब कुछ भूल भाल के अपने होटल के इनॉग्रेशन में जुट गया है। सर शायद वो डर गया होगा, कहीं वो खुद ही फंस ना जाए। एक बार ये रणवीर मिल जाए सब सच अपने आप सामने आ जाएगा। तब तक हम उस जगह पे चलते हैं जहाँ से हेमंत पे गोली चली थी। आप हेमंत की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए। ठीक है। और आप लोग पानी में फिर से जाइए और गहराई में, देखिए कोई और लाश मिलती है क्या। जी सर। आसपास नजर डालो, देखो उस खूनी के यहाँ होने का कोई सबूत मिलता है क्या। सर ये देखिए घसीटने के निशान हैं शायद। किनारे से ऊपर की तरफ जा रहा सर, कैसे घसीटा होगा यहाँ पे? एक मिनट, खून है, ताजा खून। सर रणवीर के बॉडीगार्ड को गोली झील के बीचों बीच लगी है, ये खून उसका तो नहीं हो सकता। नहीं, ये खून हेमंत का नहीं है। सर तो क्या ये खून गोली चलाने वाले का है? सर कहीं रणवीर सर को कुछ हो तो नहीं गया? सर ये रणवीर साहब का मोबाइल है। इसका मतलब रणवीर को यहाँ से घसीट के ले जाया गया है। सर इसका मतलब रणवीर को किडनैप किया गया है। खूनी ने अगर उसे जान से मार दिया होता तो लाश यहीं छोड़ जाता, अपने साथ नहीं ले जाता। आगे देखते हैं। सर हाँ? दो ऑक्सीजन मास्क और दो सिलेंडर पड़े यहाँ पे। खूनी ने रणवीर को पानी के अंदर से गायब किया। हाँ सर। बहुत अच्छी प्लानिंग की थी उसने। जैसे ही वो बॉडीगार्ड गोली लग के गिरा और रणवीर पानी में कूदा, उस समय पहले से एक आदमी दो ऑक्सीजन मास्क लेके पानी के अंदर इंतजार कर रहा था। किसी तरह से उसने रणवीर को बेहोश किया, उसमें से एक ऑक्सीजन मास्क उसने रणवीर को पहनाया और उसे घसीटते हुए यहाँ किनारे तक ले आया। सर इसका मतलब इस अपराध में दो लोग शामिल थे, एक वो स्नाइपर जिसने रणवीर के बॉडीगार्ड को मारा और दूसरा वो आदमी जो पानी के अंदर रणवीर का इंतजार कर रहा था। एग्जैक्टली। और ये पानी के अंदर वाला आदमी कोई ऐसा आदमी है जो इस इलाके से और इस झील के चप्पे चप्पे से परिचित है। यहाँ पे नाव चलाने वालों से पूछताछ करते हैं। चलो यहाँ पे जितने बोटमैन हैं, उनमें से कोई ऐसा बोटमैन है जो यहाँ सुबह से नहीं आया हो? सर सवेरे से सब लोग आए हुए हैं,
नहीं साहब, वो मुन्ना को छोड़ के बाकी सब आए हुए हैं और सब अपनी अपनी बोट चला रहे हैं। कौन मुन्ना? सर वो दीपक का भाई जो दीपक के सब काम संभालता। अच्छा मुन्ना। सर ये मुन्ना नाम के लोग हमेशा गड़बड़ क्यों होते हैं? वो भी पता चल जाएगा। कहाँ रह गया ये मुन्ना? सुबह से देखा नहीं साहब उसको। देखा नहीं मतलब कहाँ गायब हो गया? सर वो शराब पी के कहीं पड़ा हुआ होगा। वो दीपक गांव गया ना, उसकी जगह पर उसको काम पे रखा है। सर कहीं ये मुन्ना पैसों की लालच में खूनी का साथ तो नहीं दे रहा? हो सकता है। कहाँ रहता है मुन्ना? सर यहीं पे रंजनवाड़ी गांव में। रंजनवाड़ी गांव? Excuse me? आइए सर, चिक्की लेंगे? चिक्की नहीं, हमें सविता जी से मिलना है, वाणी की माँ से। जी माँ तो नहीं है लेकिन मैं वाणी का भाई। बोलिए, और आप? हम लोग मुंबई से आए हैं, सीआईडी मुंबई। सीआईडी मुंबई? वाणी मुंबई में है क्या? नहीं। मुझे लगा आप उसकी कुछ खबर लाए हो, क्योंकि वाणी पिछले 2 महीने से लापता है। यही है ना आपकी बहन? हाँ यही है वाणी। और आप इनको पहचानते? जी इसे तो पहले कभी नहीं देखा। क्या ये भी गुमशुदा है? इसका नाम आर्यन है। कभी वाणी ने इसका जिक्र किया था? कभी सुना इसके बारे में? जी ऐसा तो कभी नहीं सुना। ये फोटो देखिए, ये तो रणवीर है। जरूर इसी ने गायब किया होगा मेरी बहन को। क्यों? रणवीर का वाणी से क्या लेना देना? सर वाणी और रणवीर प्यार करते थे, लेकिन रणवीर ने वाणी को धोखा दिया, क्योंकि वाणी ये नहीं जानती थी कि वो रणवीर शादीशुदा है। फिर क्या, वाणी ने तो उसके साथ पूरा अपना संबंध ही तोड़ दिया, फिर भी रणवीर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तो आपको लगता है वाणी 2 महीने पहले गायब हुई थी, इसके पीछे रणवीर का हाथ है? हाँ सर, उसी का हाथ है। हमने तो पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई थी सर, लेकिन हमारा शक उस दिन सही निकला जिस दिन वो रणवीर की पत्नी नीता मुंबई से यहाँ आकर हमको धमकी दे रही थी। वो कह रही थी कि वाणी को रणवीर से दूर रखो, नहीं तो वो उसकी जान ले लेगी। यहाँ की पुलिस ने रणवीर से पूछताछ नहीं की? हाँ सर, पूछताछ तो की थी, लेकिन कुछ ठोस सबूत नहीं मिला उनको। सर वाणी ठीक तो है ना? एक्चुअली हमें बड़ा दुख है आपको बताते हुए कि वाणी अब इस दुनिया में नहीं है। प्लीज संभालिए अपने आप को। सर छोड़ना नहीं उस रणवीर को, फांसी के फंदे पर चढ़ाना उसको। देखिए रणवीर ने वाणी का खून नहीं किया है। एक्चुअली ये जो दूसरा लड़का आर्यन, वाणी और आर्यन इन लोगों ने कल सुसाइड पॉइंट से कूद के आत्महत्या कर ली। वाणी तो सुसाइड नहीं कर सकती सर, वो तो बहुत बहादुर लड़की थी, वो ऐसा नहीं कर सकती। देखिए उसने जानबूझ के आत्महत्या की है या किसी ने उसके ऊपर दबाव डाला ये तो हम पता लगा लेंगे। अभी आप अपने आप को संभालिए, हम उसके खूनियों को छोड़ेंगे नहीं। शुक्रिया सर। लगता है वाणी ने रणवीर का साथ छोड़कर आर्यन का हाथ थाम लिया था, और ये बात रणवीर को पता चल गई थी, इसलिए शायद वो उनके पीछे पड़ गया था। अरे नीता जी, लगता है गलत वक्त पे परेशान किया आपको हमने। हाँ हाँ गलत वक्त पे तो परेशान किया है, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। आपकी तारीफ? प्यार से हमें लोग सीआईडी कह के बुलाते। सीआईडी? क्या ये बात सच है कि आप कुछ दिनों के लिए महाबलेश्वर गई थी? महाबलेश्वर? हाँ महाबलेश्वर गई तो थी, वो वाणी की वजह से मेरी शादी टूट गई है। रणवीर मेरे से अलग हो गया है, मैं उसको तलाक दे चुकी हूँ। आपने रणवीर को तलाक दिया है? जी हाँ। लेकिन वाणी ने तो रणवीर से रिश्ता खत्म कर दिया था ना? मैंने खुद देखा वाणी का कॉल रणवीर के फोन पे। ये फोन कब आया था? 1 महीना पहले। आपस में उन लोगों की क्या बातचीत हुई, कुछ सुना तुमने? जी नहीं, मैं वो सुन ही नहीं पाई थी। रणवीर हमेशा अंदर जाके बात करते थे गुपचुप होके। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वाणी की मौत हो चुकी है, उसने सुसाइड पॉइंट से कूदकर अपनी जान दे दी। वाणी के साथ साथ एक और आदमी ने अपनी जान दे दी,
इस आदमी को पहचानती हैं आप? हाँ, ये फोटो तो मैंने रणवीर के पास देखी थी। वो महाबलेश्वर जा रहे थे ना, तो उन्होंने किसी एनवेलप में रखी थी। सर, जग्गी के पास भी तो एक एनवेलप था। ये बताइए कि इस आदमी को पहचानती हैं आप? नहीं, अब ये कौन है? शायद वो इंसान जिसका रणवीर के हाथों खून हो गया। क्या? रणवीर ने खून कर दिया किसी का? बड़ी, इस रणवीर और चक्की के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, सब पता चल जाएगा। अरे बेटा सुनो। जी। ये मुन्ना कहाँ रहता है? सर यहाँ पर। ये वाला? हाँ। अरे सर, जिसका डर था वही, ताला लगा हुआ है सर। कोई बात नहीं, ताला भी खुल जाएगा। घर की तलाशी लो, देखो कुछ मिलता है क्या। अलमारी खाली। ओ, तो बुरिया बस्तर बांध के 9-11 हो गया। सर, निशान मुन्ना लगता है। मुन्ना, इसकी एक फोटो खींचो और मुंबई ब्यूरो भेजो, वहां पहुंचेगा तो पकड़ा जाएगा। दया, अरे यार मुन्ना घर पे नहीं है, वो महाबलेश्वर से भागने की फिराक में है। वो रहा मुन्ना। ए, मुन्ना कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? ओ तेरी सीआईडी। ए, सचिन, ये कोई मामूली फोन रिकॉर्ड नहीं है, ये तो एक सीडी है। सीडी, इस केस को अंजाम तक पहुंचाने की सीडी। सीडी? हाँ, ये देखो ना, रिकॉर्ड से तो साफ जाहिर है कि जो मरने वाला था, मतलब जिसे मारने के लिए कहा गया था, उसी ने मारने वाले को ही मार दिया। और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट देने वाले को भी। हाँ, इसी को तो कहते हैं शिकारी का शिकार। माफ कर दो साहब, माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। गलती हो गई साहब, माफ कर दो मुझे। तो करीब से देख। आप बता तो क्या है सब? छोड़ दो साहब, बताता हूँ, पहले ऊपर तो ले लो साहब, बताता हूँ साहब, माफ करना साहब। बोल, बता। बताता हूँ साहब, मुझे बहुत सारे पैसे मिले थे रणवीर को किडनैप करके लॉडविक पॉइंट पर छोड़ने के लिए। सर, 2,00,000 रुपए। किसने दिए इतने सारे पैसे? मालूम नहीं साहब। मालूम कैसे नहीं, उसका चेहरा नहीं देखा तूने? साहब, जब वो मिलने आया था तो उसने ओवरकोट पहना था, वो उसका चेहरा भी मास्क से ढका हुआ था साहब। उसने ये फोटो दी और इसके पीछे ये लिखा था साहब, इस बड़ी मछली को पकड़ के लॉडविक पॉइंट पे लाना है जिंदा। सर, ये दोनों हैंडराइटिंग तो बिल्कुल एक जैसी है। मतलब उस सुपारी देने वाले ने जग्गी के मौत के बाद रणवीर को मारने की सुपारी इस मुन्ना को दी। अच्छा, रणवीर का बॉडीगार्ड हेमंत, उसे किसने मारा? उसी भले आदमी ने साहब, जिसका चेहरा मैं देख नहीं पाया था साहब। वो खून करता घूम रहा है और तू उसे भला आदमी बोलता है? साहब, उसने मुझे मालामाल कर दिया था कुछ ही क्षणों के लिए सही, लेकिन बहुत पैसे दिए थे साहब मुझे। जुर्म करने वाला आदमी मालामाल नहीं होता, बेहाल होता है, समझे? और ये कड़वा सच तुम्हें जेल में पता चलेगा। इसे लोकल पुलिस स्टेशन में दे आओ, तब तक हम लुडविक पॉइंट में जाते हैं।
पता नहीं वो रणवीर के साल में होगा। चलो। प्लीज मुझे छोड़ दो, क्यों बांध रखे हो मुझे? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो प्लीज, क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का? क्या बिगाड़ा है तूने? तूने इतनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी अपने प्यार का झूठा नाटक करके। हाँ तुम सही कह रही हो, मैंने बहुत लड़कियों की जिंदगी खराब की है, उन्हें धोखा दिया है, लेकिन मेरा यकीन मानो मैं बदल गया हूँ, मैं बदल गया हूँ। जो आदमी अपनी बीवी को धोखा दे सकता है, अपने परिवार वालों को धोखा दे सकता है, वो सुधर कैसे सकता है? हाँ मैंने अपनी बीवी को धोखा दिया है, मैंने लड़कियों को धोखा दिया है, लेकिन मैं बदल गया हूँ। प्लीज मेरी बात का यकीन मानो, प्लीज मुझे जाने दो। सुधर गया वो भी तू? तुझे कभी जाने नहीं दूंगी मैं, उन सारी लड़कियों का बदला लूंगी जिन्हें तूने धोखा दिया है। आज मैं तुझे मार डालूंगी। नहीं नहीं नहीं, देखो देखो मुझे मेरे कर्मों की सजा मिलेगी, लेकिन मुझे मार के तुम अपने हाथ क्यों गंदे कर रही हो? मैं यहाँ से छूट के सीधे अपनी बीवी के पास जाऊंगा, पुलिस के पास जाऊंगा, अपने सारे कर्मों का बयान करूंगा उनके सामने। मैंने जो किया है, जिसे धोखा दिया है, मैं सब कह दूंगा। मैं उन सब लड़कियों के बारे में पुलिस को बताऊंगा, अपनी बीवी को बताऊंगा। प्लीज मुझे जाने दो। दस्तक गिनूंगी मैं, मेरी नजरों के सामने से भाग सकते तो भाग जा। अरे खोले से। भाग भाग। थैंक यू। एक दो तीन भाग चार पांच छह तुम्हें कहा था मेरे दस गिनने तक अगर तुम भाग गए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन क्या करें, मेरी दस की गिनती भी पूरी हो गई और अब तुम्हारी सांसें भी। नहीं, नहीं, नहीं। तो पूरा हो गया, अब मैं जी के क्या करूंगी? नहीं रुको, बोला तो तेरा जेल में पूरा होगा वाणी। बता क्यों किया ये सब? रणवीर लगातार मुझे अपने पैसे और पावर के दम पे पुतली की तरह नचा रहा था, धमका रहा था वो मुझे, धमका रहा था कि अगर मैं उसके साथ नहीं गई तो वो मेरी माँ को मार डालेगा। तो रणवीर के चंगुल से निकलने के लिए तुमने अपने दोस्त आर्यन के साथ मिलकर प्लान बनाया, जग्गी को सुपारी दे दी रणवीर की, क्यों? लेकिन हमारा प्लान तो तब फेल हो गया पलटन में,
रणवीर ने जग्गी को हमारे ही खिलाफ सुपारी दे दी डबल पैसे देके। हम दोनों को मरवाना चाहता था वो। तो पता नहीं क्यों जग्गी नहीं माना और रणवीर ने उसे मार दिया। मुझे और आर्यन को नहीं पता था कि रणवीर अभी तक जिंदा है। दिन गोले वाले के पास उसको देखकर हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसको देख के हम डर गए और हम भाग गए वहां से। अरे क्या हुआ? वो देखो। वानी, ये हमें जीने नहीं देगा। ठीक है, ये हमें साथ में जीने नहीं देगा ना, लेकिन ये हमें साथ में मरने से तो नहीं रोक सकता, है ना? लेकिन कहते हैं ना कि जब किस्मत की लकीरों पे मौत का बुलावा नहीं आया तो कोई इंसान नहीं मर सकता। आर्यन तो मर गया, लेकिन मैं वहीं पे एक डाल में फंस गई और वहाँ के एक आदमी ने मुझे बचा लिया। और फिर जब तुम्हें जिंदगी को दोबारा जीने का मौका मिला तो तुमने सोच लिया कि तुम रणवीर से बदला लोगी। किसी किताब में पढ़ा था मैंने, रिवेंज इज अ डिश दैट इज बेस्ट सर्व कोल्ड। इसलिए मैंने भी लंबा चौड़ा प्लान बनाया। सोचा कि वो दर्द जो उसने मुझे दिया और कई सारी लड़कियों को दिया, वही दर्द मैं भी उसको दूंगी। शायद तुमने कानून की वो किताब नहीं पढ़ी है जिसके हर एक पन्ने पे यही लिखा है कि असली इंसाफ बदले के जरिए नहीं, कानून की सजा के जरिए मिलती है। इस रास्ते पे चलने से पहले तुमने एक बार भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा? पर अब बहुत देर हो चुकी है। जो रास्ता तुमने अपनाया है उसके बाद आज तुम रणवीर से कोई कम मुजरिम नहीं हो। तुम्हें क्या सजा मिलेगी इसका फैसला अदालत करेगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।